आपको इतना तेज कर दूंगा भाई साहब, आपको पूरे हिंदुस्तान में कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा। आपका फोन कभी भी अगर प्रॉब्लम में आया तो, कोई सा भी फोन हो चाहे आपके पास। जय हिंद दोस्तों, आज मेरे पास है एप्पल का iPhone 6। ये फ़ोन कस्टमर बता रहा है कि उसके हाथ से गिर गया। देखिए मैं, मेरी आदत है कभी भी मेरे पास कस्टमर आता है ना, मैं सबसे पहले पूछता हूँ कि भाई हुआ क्या था, या पानी में गिरा था, या फिर हाथ से गिरा था, या फिर कोई सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहे थे, या फिर आप कोई गेम वगैरह खेल रहे थे, तो उसके अकॉर्डिंग मैं काम करता हूँ। उसमें काम करना ईजी होता है अगर कस्टमर सही बात बताए तो। अब कस्टमर ने बताया उसके हाथ से गिर गया, अब आप कस्टमर ने ये भी बता दिया कि ये और भी कई दुकानों पर होया है, कोई इससे कह रहा है कि डेड हो गया, 1500 रुपये लगेंगे जब ऑन होगा, कोई कह रहा है 1000। तो अब मैं देखता हूँ इसको, ये मेरे पास कस्टमर आए हैं, तो अब मैं इसके आपको प्रोसीजर बताऊँ आपको करना क्या क्या है अगर आपके पास आपका फ़ोन बंद हो जाए गिरने के बाद। तो लाइव प्रूफ आपको आज बताऊँगा, इसमें स्क्रू तो है अभी, शायद ना खुला हो किसी ने, अभी देखते हैं। देखिए खोलना भी सीख लीजिए, iPhone 6, 5, ये 7 वगैरह सारे एक ही प्रोसीजर से खुलते हैं, ये 8, 9, 10 जितने भी हों आईफोन वाले, तो इनका प्रोसीजर देख लीजिए खुलता कैसे है। और आपको अगर सर्विस भी कभी करनी है तो आप इस तरीके से सीख के, जस्ट खोलना सीख के आप सर्विस भी कर सकते हैं उसकी। इसके लिए स्क्रू ड्राइवर ले लीजिए, और इसके यहाँ पे 2 स्क्रू होते हैं छोटे वाले, ये खोलने हैं आपको। यहाँ पर नाखून डालिए, जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना, यहाँ पर आपको नाखून डालना है। अब आपको एक बात बताने वाला हूँ, देखो करने से पहले ही बता देता हूँ, आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत तगड़ी बात बताने वाला हूँ आज आपको, और एक मोटिवेशन भी मिलेगा आपको इस बात से कि दुकान वाले देखिए किस तरीके से चोरी करते हैं और किस तरीके से आपको सच नहीं बताते कि मोबाइल फ़ोन में दिक्कत है क्या, आज आपको बताने वाला हूँ। देखिए इसका है ना, अभी देखो मैंने हाथ नहीं लगाया इसके बोर्ड में, ठीक है, मैं आपको बिना वीडियो कट करे देखो ये बताता हूँ। देखो इसका दिखा, इसका पत्ता हटा हुआ है, ये देखिए, ये बैटरी भी इसकी ढीली है, इतनी ढीली नहीं होती है, ये देखिए इसका पत्ता हटा हुआ है, और ये बैटरी भी, बैटरी कभी चेंज कराई होगी इसने, फिलहाल इसका बैटरी का पत्ता हटा हुआ है। और अब आपको उन्हें एक बहुत ज़रूरी काम की बात बताता हूँ दोस्तों, ये बैटरी का पत्ता हटता क्यों है, पहले मैं देखता हूँ इसको सेट ही है, मेरे हिसाब से ऑन हो जाना चाहिए, क्योंकि कस्टमर बता रहा है उसके पास छोड़ा नहीं है, उसने हाथों हाथ वो ले आया है कहीं भी अगर उसने दिखाया है तो अभी देखते हैं इसका बैटरी का पता। देखिए मैं दोबारा कनेक्ट करता हूँ, बस आपको दबाना है, अब दबा कर है ना मैं देखता हूँ इसमें ये ऑन होगा या नहीं, अगर ऑन होगा ना तो मैं इसको वीडियो को अपलोड करूँगा। ये देखो दोस्तों ये ऑन हो चुका है। अब दोस्तों आपको मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा, भाई चैनल को बड़ा कीजिए ताकि पूरे हिंदुस्तान को पता चले, मैं बहुत सारी बातें हैं ना ऐसी बता देता हूँ जो मोबाइल रिपेयरिंग वाला आपको बताने से कतराता है, कोई नहीं बताएगा आपको ऐसी बातें भाई साहब। अभी मैं एक तगड़ी बात बताऊँगा आपको, वीडियो में बने रहो और पूरी कंप्लीट वीडियो देखा करो, मैं छोटी सी वीडियो बना देता हूँ दोस्त, मगर आपको ऐसी बात बता दूंगा सारी ज़िंदगी नहीं भूलोगे। आपका फ़ोन कोई भी हो, चाहे कोई सा भी एंड्रॉयड फ़ोन हो चाहे एप्पल का फ़ोन हो आपके पास, इसके डिस्प्ले में थोड़ी प्रॉब्लम, वो कस्टमर बता भी रहा था कि भैया लाइनिंग वाइलिंग कुछ आती है, मगर फ़ोन उसका काम करता है। चलिए कोई नहीं, अब ये ऑन हो गया, पासवर्ड वगैरह मांग रहा है इसका, चलिए कोई नहीं। अब देखिए इसका बैटरी का पत्ता हटा क्यों सेट गिरने के बाद, अब देखिए मैं सेट अगर घेर के दिखाऊं, यार कस्टमर का फ़ोन है घेर के तो नहीं दिखा सकता मैं, मगर आपको वैसे बता देता हूँ कि ये ना अगर हल्का सा भी इस पर झटका लगेगा ना तो इसका बैटरी का पत्ता हट जाएगा, ये बैटरी का पत्ता ये ऐसे हट जाएगा इसका बैटरी का पत्ता अगर हल्का सा भी इस पर झटका लगा तो। अब ये पत्ता हटा क्यों, देखिए ये कई दुकान वाले करते हैं भाई ऐसा काम, उल्टा काम, ऐसे काम ना किया करो भाई, क्यों पब्लिक को परेशान करते हैं ये समझ में नहीं आता। इसके ऊपर एक पत्ती लगती है, इस ये कभी पहले फ़ोन रिपेयर कराया होगा तो उसने उसकी पत्ती निकाल के रख दी, इसलिए रख दी कि आपका फ़ोन हल्का सा भी गिरेगा उसके बाद बैटरी का पत्ता निकल जाएगा, फिर दोबारा आप दुकान पर जाओगे ना तो वो कहेगा भाई आपके फ़ोन से हाथ से फ़ोन गिरा होगा ज़रूर, फिर कस्टमर कह ही देता कि हाँ भैया गिर गया, गिर तो गया था, फिर वो 500-1000 रुपये फिर मांग लेगा आपसे, और खाली ये पत्ता ऐसे अटैच करके और आपको दे देगा। तो ये धोखाधड़ी वाले काम चलते हैं दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूँ देखिए पत्ती होती कैसी है, देखो मैं एंड्रॉयड फ़ोन मेरे पास ये कौन सा है Y11, जैसे ये बैटरी का पत्ता है, ठीक है, इसकी भी बैटरी रिमूव हो जाएगी, देखिए ये बैटरी का पत्ता है ना। अब यहाँ पर ये पत्ती क्या करती है, इस बैटरी के पत्ते को यहाँ अटैच कर दिया हमने, अटैच हो गया, अब ये अगर फ़ोन गिरा गया ना तो ये बैटरी का पत्ता सबसे पहले निकलेगा, ये ना निकले बैटरी का पत्ता उसके लिए कंपनी एक पत्ती लगा के देती है ऐसी, ये ऐसे पत्ती लगा के देती है, फिर इसमें स्क्रू लग जाते हैं दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी, और ये पकड़ के रखेंगे इसको,
कि पत्ता इसका निकल ना जाए। ये हर कंपनी देती है हर किसी मोबाइल में, भाई सारे मोबाइलों में यही कहानी होती है, एंड्रॉयड हो चाहे एप्पल हो, बैटरी के पत्ते के ऊपर एक पत्ती जरूर लगा कर देते हैं ऐसी प्रोटेक्शन के लिए, ताकि फ़ोन अगर गिर जाए तो बैटरी आपके डिस्कनेक्ट ना हो। तो आई होप कि आपके ये समझ में आ गया होगा कि ऐसे उल्टे काम क्यों किए जाते हैं। अब मैं पूरी बात बताता हूँ। चलिए दोस्तों, इसका सोल्यूशन क्या है कि आप अगर किसी भी दुकान पर जाओ तो आपको कोई बेवकूफ़ ना बनाए, उसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा सोल्यूशन बता देता हूँ। तो देखिए, आप कभी भी किसी दुकान पर जाएँ और आपका फ़ोन डेड हो या किसी भी कंडीशन में आप किसी दुकान पर जाएँ, तो उसको बोल दीजिए कि भाई बैटरी के ऊपर की पत्ती मत निकाल दियो मेरी, जैसा फ़ोन पैक खोला है ना वैसे ही पैक कर दियो। ये आपका बोलने का हक बनता है भाई। आप नहीं बोलोगे ना तो वो 10 तरह की चीज़ें निकाल के रख लेगा अपने पास, फिर धीरे धीरे आप उसके पास जाते रहेंगे और वो आपसे पैसे कमाता रहेगा। देखिए, आपने मार्केट में कई बार है ना ये बात जरूर सुनी होगी, किसी ना किसी के मुँह से तो आपने सुना ही है ऐसा कि एक बार मोबाइल फ़ोन खुल जाता है ना तो बार बार खुलता रहता है ना, ऐसा सुना होगा ना। ये भाई साहब ऐसा बिल्कुल नहीं है, मगर अगर ऐसे बंदे काम करने वाले होंगे ना तो एक बार फ़ोन खुलेगा तो बार बार खुलता ही रहेगा, अगर ऐसे बंदों के हाथ में अगर आप अपना मोबाइल फ़ोन दे देते हैं तो ये कहावत है ना ये सच हो जाती है ऐसे बंदों की वजह से। हालांकि ऐसा होता नहीं है, पहली बारी में अगर कोई ईमानदारी से पूरा परफेक्ट काम कर दे ना तो मोबाइल फ़ोन में दोबारा दिक्कत आती नहीं है भाई साहब। अब काफ़ी दुकान वालों को मिर्ची लग जाएगी इस बात पे, है ना, वो काफ़ी कमेंट कर भी रहे हैं कि यार ऐसे मत बताओ, इतना खोल खोल के मत समझाओ। कोई कह रहा है कि अभी तो समझा रहे हो, बाद में उनसे नहीं हो पाएगा तो फिर हमारे पास आएंगे, फिर कौन बचाएगा, ऐसी ऐसी बातें भैया करने लगे हो आप। तो कोई बात नहीं, मैं तो अपनी इंडिया की जनता को अवेयर करूंगा। और आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप चैनल को बड़ा कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते, फ्री होता है, और बेल आइकन बटन जो होता है उससे भी दबा लीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो ऐसी अपलोड करूँ ना तो फ़ौरन आपके सामने आ जाए, वो तब आएगी जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। सब्सक्राइब करके रख लीजिए मेरा चैनल, बहुत सारे आपने ऐड कर रखे होंगे, एक चैनल मेरा भी ऐड कर लीजिए, आपको इतना तेज कर दूंगा भाई साहब, आपको पूरे हिंदुस्तान में कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा आपका फ़ोन कभी भी अगर प्रॉब्लम में आया तो, कोई सा भी फ़ोन हो चाहे आपके पास। मैंने 200 से 300 वीडियो अपलोड कर रखे दोस्तों, सिर्फ अपने हिंदुस्तान के जनता की नॉलेज गेन करने के लिए, बेवकूफ़ बनाने के लिए नहीं। जो बंदे बेवकूफ़ बनाते हैं ना उनके लिए मैंने बना रखी है। काफ़ी बंदों ने मेरे कमेंट भी करे हैं वीडियोज़ पर, कोई बात नहीं कर लो। मोबाइल रिपेयरिंग वाले काफ़ी भाइयों ने कमेंट करी हैं गलत गलत कि यार ऐसे मत बताओ फिर हम क्या कमाएंगे। भाई ऐसे इसी तरीके से कमाओगे क्या, यही तरीका रह गया था, कोई ईमानदारी से काम कर लो। अब मैं बता रहा हूँ, मैं ये पता लगाया मैंने, ठीक है, मैं कस्टमर को अगर 100 रुपये भी बोलूँगा ना भाई साहब, कस्टमर हंस के देगा। अगर मैं ईमानदारी से बता देता हूँ तो मैं उसको बता दूंगा कि भाई तेरा पत्ता हट गया था, इसके ऊपर की जाली वो नहीं है पत्ती, और इसको देख के चले जाओ। तो वो बंदा मुझसे खुद पूछेगा भैया कितने पैसे हो गए, तो मैं अगर 50-100 रुपये भी बोलूँगा ना भाई साहब खुश हो जाएगा वो, कि भाई साहब 1000 रुपये 1500 रुपये मांग रहे थे उससे इस काम के, ठीक है। हर दुकान वाले के दिल में देखो लालच आ जाता है कि यार पत्ता हटा हुआ है, सेट ऑन ही नहीं होगा इस कंडीशन में, तो ना तो चार्जिंग शो करेगा ना, तो ये कमाने का मौका होता है इनके पास। तो ठीक है दोस्तों, आप इतनी आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही, लेसन बहुत है ये, मैं करना तो कुछ और चाहता था, मैं तो बताता कि डेड कंडीशन में क्या क्या आपको चेक करना चाहिए, मगर सबसे पहले मुझे ये बैटरी का पता ही दिख गया तो भाई साहब मैंने यही बता दिया आपको, क्योंकि यहीं से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, तो अब आगे बढ़ के क्या करें, ठीक है। और इसकी डिस्प्ले वगैरह पूछ लेंगे, अगर वो चेंज कराएगा तो कस्टमर ठीक है, नहीं तो वरना इसी को चला लेगा अपने आप ही। अब ये अगर आपके पास भी फ़ोन एप्पल का है तो आप इस तरीके से काम कर लीजिए, अगर आपका फ़ोन गिर जाए तो सबसे पहला ये काम कीजिए भाई साहब, 100% ऑन हो जाएगा आपका काम अगर आपकी पत्ती निकली हुई होगी तो। ध्यान रखना दोस्तों, कभी मोबाइल फ़ोन रिपेयर कराएं तो अपने सामने कराएं, सारा सामान अपने सामने रखवाएं कि भाई जितना सामान निकाला सारा मेरा वापस लगा दें, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है, चाहे एप्पल का फ़ोन हो चाहे आपके पास स्मार्टफोन कोई भी हो, ठीक है। और ये जो 2 स्क्रू है ना ये याद करके लगवा दीजिए वापस, मैंने काफ़ी बंदों का देखा है कि जब मेरे पास मोबाइल फ़ोन आता है ना तो काफ़ी बार है ना ये वाले स्क्रू लगे नहीं होते, इसकी वजह से डिस्प्ले टूट जाती है भाई गिरने की वजह से, तो इस फ़ोन में लगे हैं तो कोई नहीं, ये बच गया फ़ोन, वरना मैंने बहुत कम देखे हैं ये स्क्रू तो होते ही नहीं है जब कस्टमर मेरे पास लेके आता कहीं और से। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए, जय हिंद जय भारत।